नूरपुर के बग्गा की अनु शर्मा कड़ी मेहनत व लगन से कार्य कर अपने व परिवार का पालन पोषण कर रही है। अनु ने हाल ही में हुए चुनाव में बीडीसी का चुनाव जीतकर अपनी दो पंचायतों सियुनी व जांगल को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया है। बीडीसी बनने से पहले भी अनु शर्मा हमेशा समाज सेवा में तत्पर रहती थी। नूरपुर के बग्गा की अनु शर्मा की बचपन से एक ही किडनी है। अनु शर्मा ने कड़ी मेहनत व मशक्कत के बाद आज एक मुकाम हासिल कर लिया है। अनु शर्मा ने लोगों के कहने पर बीडीसी का चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। बचपन से ही मुश्किलों का सामना करने वाली अनु आज अपने दम पर परिवार का पालन पोषण कर रही है और समाज सेवा भी कर रही हैं। अनु ने बचपन से ही एक किडनी के सहारे अपना जीवन व्यतीत किया, लोगों के घरों में काम कर अपने व अपने परिवार का पालन पोषण किया है। काम करते वक्त अनु ने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा। इस समय अनु पीएचडी कर रही हैं। अनु ने बीडीसी का चुनाव जीतकर अपनी दो पंचायतों सियुनी व जांगल को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया है। अनु ने बताया कि जनता ने उन पर जो भरोसा दिखाया है उस पर वे खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेगी। अनु ने कहा कि वे अपनी सियुनी व जांगल पंचायतों में घूमी और पाया कि दोनों पंचायतों में स्वच्छता की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, उस अभियान के तहत वे गांव के लोगों को भी जागरूक करेगी और वहां पर गांव को स्वच्छ बनाएंगी। अनु ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे जिन लोगों के अभी तक घर नहीं बने हैं उनके लिए वे घर बनाने का प्रयास करेगी। सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी जो आप लोगों ने मुझे इतना सक्षम समझा कि मैं आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके द्वारा दिए गए इस विश्वास का पालन कर सकूं और आपकी उम्मीदों पर खरी उतर सकूं। वोट मांगते समय मैं दो पंचायतों में गई। उन दोनों पंचायतों में घूमने पर मैंने पाया कि सबसे पहले हमारी इन दोनों पंचायतों में स्वच्छता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी स्वच्छता पर। मोदी जी ने अभियान चलाया है स्वच्छ भारत अभियान, तो उस स्वच्छ भारत अभियान के तहत मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जितना भी कर सकूं, जितने भी लोगों के शौचालय हैं जो नहीं बने हैं उन्हें बनवाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास कर सकूं वो मैं करूंगी, और जो भी लोगों की मेरे से उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगी। मेरी कोशिश रहेगी कि गरीबों के लिए मैं कुछ कर सकूं। गरीबी रेखा से नीचे के लोग जो हैं, जिनके अभी घर नहीं हैं, जिन्हें अपने आप को सक्षम बनाने में अभी समय है, उनके लिए मैं कोशिश करूंगी कि कुछ कर पाऊँ। घर देने की व्यवस्था करूंगी। कुछ जगह पर कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे, कुछ घर मैंने ऐसे देखे जो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं और उनके पुराने जैसे जिनको हम गौशाला कहते हैं उनको प्रमाणित करके उन्होंने जियो टैगिंग करवा कर बड़े बड़े मकानों के लिए पैसा ले रखा है, हालांकि उनके मकान तैयार हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि ये मकानों की सुविधा उन लोगों को दी जाए जो डिजर्व करते हैं। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।